हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको वेलवेट फैब्रिक से ब्लाउज बनाना बताऊंगी फुल स्लीव का। तो ये देखिए, ये वेलवेट फैब्रिक है और इसके बाद में ये अस्तर है। तो ये देखिए, ब्लैक कलर का अस्तर है ये मेन फैब्रिक। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए, हम अस्तर को खोल के डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो देखिए, हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट का पहले कट करेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है वो बैक ओपन रहेगा, फ्रंट में पैक रहेगा। तो फ्रंट का हम लंबाई लेंगे यहाँ पे 13.5 इंच, बैक में हमारा जो रहेगा वो 13 इंच रहेगा। तैयार लंबाई हमें चाहिए 12 इंच, तो बैक में 13 इंच, 1/2 इंच ज़्यादा फ्रंट में रहेगा, तो 13.5 इंच है। शोल्डर यहाँ पे हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल में जितना शोल्डर रहेगा उतना ही, 5.5 इंच पर। अब इसके बाद में चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, तो चेस्ट है हमारा 32 इंच, उसका चौथा भाग होता है 8 इंच। तो 8 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पे 1 इंच लेंगे प्रिंसेस कट टक्स के लिए सिलाई मार्जिन, और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इसके बाद में हम कमर का मार्क करेंगे। तो कमर है हमारा 28 इंच, उसका फोर्थ होता है 7 इंच, 7 इंच में मार्क कर लिया है। यहाँ पे 2 इंच लिया है टक्स के लिए, प्रिंसेस कट टक्स के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब इसके बाद में इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ पे 1 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए, पीछे हमें 1.5 इंच मार्क करना होता है, फ्रंट में 1 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच की मार्क करके हमने गहराई दे दी है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद में बाकी का मार्किंग करेंगे। तो देखिए, कट कर लिया हमने। यहाँ पे देखिए, 2.5 इंच पर नेक की चौड़ाई मार्क करेंगे, और नेक की लंबाई 6.5 इंच पर। मार्क करने के बाद में इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद में हम यहाँ पे स्वीट हार्ट का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से फ्रंट में हमें इस तरह से डिजाइन बनाना है नेक में। अब इसके बाद में प्रिंसेस कट का टक्स देंगे। तो ऊपर से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे टक्स के लिए, और साइड से यहाँ से 4 इंच पर। नीचे हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे। इसे मिलाने के बाद में हम ऊपर से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा हल्का राउंड लेते हुए हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे ऊपर साइड। अब यहाँ पे नीचे से साइड टक्स के लिए हम यहाँ पे 2 इंच पर मार्क करेंगे, और नीचे से 2.5 इंच पर। मार्क करने के बाद में यहाँ पे भी हम शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का, इस तरह से नीचे साइड से। तो इतना मार्क करने के बाद में हम यहाँ पे अब 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में इस तरह से टेढ़ा लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे हमारा सेम रहेगा। अब इसके बाद में हम प्रिंसेस कट कट कर लेते हैं। इसे कट करने के बाद में इसे भी कट कर लेंगे। इसे इसलिए कट करते हैं ताकि हम प्रिंसेस कट ज्वाइंट करें तो हमारा ब्लाउज जो है वो टेढ़ा ना हो, इसलिए 1/2 इंच ज़्यादा लेना होता है बैक पार्ट से। अब इसके बाद में देखिए, हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने अस्तर, बचे हुए अस्तर को बिछा लिया है। अब हम बैक पार्ट का लंबाई लेंगे। तो फ्रंट में हमने 13.5 इंच लिया था, तो बैक में 13 इंच लेंगे। और इसके बाद में शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। 6 इंच पर इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें 1/2 इंच, यहाँ पे जो है 1/2 इंच चाहिए हुक पट्टी और आई पट्टी के सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैं नाप के दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे 1/2 इंच मैंने छोड़ा है। अब यहाँ पे से हम मार्क करेंगे शोल्डर के लिए। तो यहाँ से हम शोल्डर 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए, आर्म होल भी हम 5.5 इंच पर ही लेंगे, क्योंकि फ्रंट में हमने इतना ही लिया है। अब इसके बाद में चेस्ट का मार्क करेंगे। तो जो हमने लाइन खींचा है उससे छोड़ के 8 इंच पर मार्क करेंगे चेस्ट का चौथा भाग, 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो देखिए, हमने सीधा लाइन खींच लिया है। अब यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देंगे 1.5 इंच पर। फ्रंट में 1 इंच पर लिया जाता है, और बैक में 1.5 इंच पर। अब इसके बाद में हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद में नेक का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नेक का चौड़ाई हम यहाँ पे 2.5 इंच पर लेंगे। उसके बाद में नेक का लंबाई 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मार्क करने के बाद में बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का सा वी शेप में बैक का नेक डिजाइन करेंगे। साइड से हम यहाँ पे 4 इंच पर मार्क करेंगे, और नीचे से 4 इंच पर। ये हमारा बैक का टक्स हो गया। अब इसके बाद में हम नेक को कट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, बैक पार्ट के अस्तर की भी कटिंग हो चुकी है। स्लीव की हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि स्लीव में हम अस्तर नहीं लगाएंगे। अब देखिए, हमने ये मेन फैब्रिक ले लिया है। अब इसे हम डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। तो ये जो हमारा फैब्रिक है, ये 1.5 मीटर है। इसमें एक और हमें स्लीवलेस ब्लाउज बनाना है, तो उसके लिए कपड़ा बचाना है। तो हम इस तरह से देखिए, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे जितना हमें चाहिए। तो इस तरह से देखिए, फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे, इस तरह से रख के फिर कट कर लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे ताकि हमें ज्वाइंट करने में आसानी हो।
तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद में हम इसे साइड में रखेंगे, फिर से मेन फैब्रिक को बिछाएंगे डबल फोल्ड करके। तो जहाँ से हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसी के ऊपर से ही, जस्ट ऊपर से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह कट करने से क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा है वो बचता है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से रख के फिर कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने कट कर लिया बैक और फ्रंट। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ज़्यादा दिख रहा है उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट भी कट हो चुका है। अब इसके बाद में हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव की कटिंग के लिए हम इस वेलवेट के फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए टू फोल्ड हो गया इस तरह से। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा और पट्टी मतलब ट्रेंगल में फोल्ड करेंगे इस तरह से। ट्रेंगल से फोल्ड करने से क्या होता है कि जो हमारा स्लीव है हमें कोहनी मोड़ने में आसानी होती है, क्योंकि ट्रेंगल में कपड़ा खींचता है मोड़ने में। तो देखिए हमने यहाँ पे ट्रेंगल में फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद में हम स्लीव की लेंथ लेंगे। तो स्लीव की लंबाई हमें 18 इंच लेनी है और 19.5 इंच पर देखिए हमने मार्क किया है, क्योंकि 1 इंच फोल्डिंग के लिए हो जाएगा, आधा इंच सिलाई के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करके इसको बराबर से पता करना है बराबर कैसा होता है। देखिए बराबर इस तरह से निशान लगा लिया है मैंने। अब यहाँ पे भी हमें बराबर करना है, तो इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे भी पता चल गया कि बराबर कैसा है। अब इस ये सीधा लाइन मैंने यहाँ पे भी खींच लिया। अब यहाँ से हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव की लंबाई हमने पहले से ही ले रखी थी, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे कि कितना हमें फोल्ड करना है। तो ये देखिए इतना हमें फोल्ड करना है। और यहाँ से हमें आर्म होल की गहराई लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 इंच की आर्म होल की गहराई ले ली है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम आर्म होल की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज में हमने 5.5 इंच लिया था आर्म होल की लंबाई, तो यहाँ पे भी 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम 2.5 इंच पर और एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फिटिंग का मार्क हो गया। अब इसके बाद में बॉटम साइड में मार्क करेंगे 4.5 इंच पर। तो यह फिटिंग का मार्क हो गया। इन दोनों को मिला लेंगे। देखिए मिलाने के बाद में यहाँ पे हम बैक आर्म होल का शेप देंगे इस तरह से, थोड़ा राउंड लेते हुए हमें ऊपर साइड मिला लेना है। अब यहाँ पे हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है जहाँ पे हमने सीधा लाइन खींचा अभी। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच की मार्जिन लेंगे सिलाई मार्जिन, और यहाँ बॉटम साइड थोड़ा सा बचा है तो इस तरह से इन दोनों को मिला लेंगे। अब इसके बाद में हम इसका कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल का भी हम मार्क नहीं करेंगे, उसे हम बाद में मार्क करेंगे स्लीव तैयार करने के बाद में ज्वाइंट करने से पहले। तो देखिए इस तरह से हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद में यहाँ पे बॉटम साइड भी हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। यह है स्लीव, और उसके बाद में देखिए ये हमारा ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट। अब इसके बाद में हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए हमने ये देखिए बैक पार्ट साइड में रख दिया। अब इसके बाद में फ्रंट पार्ट का जो नेक साइड का पार्ट होता है उसे खोलेंगे मेन फैब्रिक को। तो जो सीधा साइड है ऊपर साइड रहना चाहिए और उल्टा साइड नीचे। अब इसके बाद में अस्तर खोलेंगे, खोलने के बाद में बिछा देंगे मेन फैब्रिक ऊपर। अब यहाँ पे नेक पे हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए नेक पे किस तरह से सिलाई लगाना है, जिस तरह से हमारा नेक का सेप बना है उसी तरह से हम सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे सिलाई हो चुका है। अब जो नेक का मेन फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं राउंडिंग शेप के लिए। और जिस तरह से हमने इसमें सिलाई लगाया है उस शेप में लाने के लिए, तो कट करने के बाद में इसे इस तरह से पलट के फिर सिलाई लगाएंगे नेक पे। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक पे सिलाई लगा दिया है। अब इसे इस तरह पलटेंगे और अस्तर को मेन फैब्रिक से चारों तरफ से अटैच कर लेंगे, चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। देखिए अस्तर के बराबर से ही सारे कपड़ों को कट करना है। कट करने के बाद में ये वाला पार्ट हम जो है इसे रख देंगे। अब यहाँ पे हमने प्रिंसेस कट के लिए लिया है। तो प्रिंसेस कट के लिए सीधा साइड जो रहता है वो नीचे साइड रहेगा, क्योंकि इसे पलटना नहीं है, सेम ऐसे ही सिलाई लगा देना है चारों तरफ। तो देखिए इस तरह हमने अस्तर को रखा है मेन फैब्रिक पे और सीधा सिलाई लगा देना है चारों तरफ। सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हमारा कट हो चुका है। अब सेम इसी तरह हमें दूसरा वाला भी तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने दूसरा वाला भी तैयार कर लिया है, अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ये गले वाला पार्ट और ये हमारा प्रिंसेस कट, इसे लेंगे, इसे ज्वाइंट करेंगे। तो इसे ज्वाइंट करने के लिए हमेशा हमें नीचे से ही ज्वाइंट करना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ अभी, तो हमेशा इसे नीचे से ही ज्वाइंट करते हैं, क्योंकि नीचे से अगर कपड़ा सिलने में ज़्यादा खींच उच गया तो क्या होता है कि छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमें नीचे से ही करना है। अगर नीचे से छोटा हुआ तो हम कट नहीं कर सकते, ब्लाउज हमारा छोटा हो जाएगा। अगर ऊपर से छोटा बड़ा हुआ तो हम आर्म होल साइड कट कर सकते हैं। तो नीचे से ही ज्वाइंट करें हमेशा। लेकिन हमारा जो ये फैब्रिक है वो बराबर आ रहा है, थोड़ा सा भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटा बड़ा हो जाता है प्रिंसेस कट ज्वाइंट करने में। तो ये देखिए एक साइड का हमने ज्वाइंट कर लिया है, अब हमें दूसरा साइड भी ज्वाइंट करना है। तो इस साइड भी हमें नीचे से ही ज्वाइंट करना है। देखिए तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों साइड ज्वाइंट कर लिया है, अब हमें नीचे साइड पट्टी लगाना है। तो उसके लिए हम सिर्फ अस्तर का पट्टी लेंगे, एक कम से कम 1.5 या 2 इंच का। तो इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पे रख के सिलाई लगा लेंगे सीधा। सिलाई कंप्लीट होने के बाद में इसे खोलेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। अब इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद में इसे दूसरे साइड फोल्ड करेंगे और फिर से इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो तैयार हो चुका है। देखिए नेक का भी डिज़ाइन अच्छे से आया है। अब इसके बाद में हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए बैक पार्ट का हमने ले लिया है मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक को इस तरह से बिछाएंगे, क्योंकि इसे पलटना है हमें। तो सीधा साइड ऊपर साइड होना चाहिए और उल्टा साइड नीचे साइड। इसके ऊपर अस्तर रख के हमें सिलाई लगा देना है नेक पे और नीचे साइड। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है, अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कर लेंगे नीचे साइड का भी और नेक साइड का भी। कट करने के बाद में नेक साइड में जो हल्का राउंडिंग दिख रहा है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद में इसे इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद में फिर से नेक पे सिलाई लगाएंगे और नीचे साइड। सिलाई लगाने के बाद में इधर साइड भी सिलाई लगा देंगे। जो अस्तर है मेन फैब्रिक से पूरा अटैच करना है, तो चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो हमने चारों तरफ सिलाई लगा लिया है, अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। सेम इसी तरह हमें दूसरा वाला भी तैयार करना है दूसरी साइड का। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट का दोनों साइड तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमें टक्स के लिए सिलाई करना है। तो इस तरह से पकड़ के हमें टक्स का सिलाई दे देना है दोनों साइड का। तो देखिए टक्स भी हो गया है, अब हमें यहाँ पे हुक पट्टी और आई पट्टी लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आई पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए हमने ये वेलवेट वाला फैब्रिक लिया है, उसे इस तरह से ऊपर साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे सीधा। इस तरह फोल्ड करने से क्या होता है, इसे खोलने पे एक पैक हो जाता है। अब यहाँ पे सीधा सिलाई लगा लिया है, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे थोड़ा बढ़ा के, फिर उस
उसी एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े को फोल्ड करके फिर से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से डबल सिलाई भी हो जाएगा और हमारा कपड़ा भी फोल्ड हो जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा मोड़ेंगे, थोड़ा सा इसे हम फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में इसे एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। ये कपड़ा हमारा जो है, ये पट्टी जो है वो थोड़ा बढ़ा रहना चाहिए। तो देखिए हमारा ये आई पट्टी है बनके तैयार हो गया। अब हमें दूसरे साइड हुक पट्टी बनाना है। तो दूसरे साइड के लिए हम अस्तर का पट्टी लेंगे। तो अस्तर का पट्टी देखिए हमने ले लिया है, इसे डबल फोल्ड करके लगाना है। उसे सिंगल ही लगाना था, इसे डबल फोल्ड करके हमने लगाना है और नीचे साइड इस तरह से फोल्ड करके फिर सिलाई लगाना है रख के। देखिए हमने फोल्ड करके नीचे सिलाई लगा लिया है। अब ऊपर साइड भी जो बचेगा कपड़ा उसे भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो देखिए पैक हो गया। अब इसके बाद में इसे खोलेंगे। खोलने के बाद में देखिए इसे पूरा इस तरह घुमा लेंगे, पलट लेंगे, क्योंकि ये हुक पट्टी है, ये पूरा अंदर साइड रहेगा। अब इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा हुक पट्टी भी तैयार हो गया है। बैक पार्ट हमारा ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, स्लीव को तैयार करना है। तो ये बैक पार्ट जो है इसे साइड पर रखेंगे। अब हम स्लीव लेंगे। तो देखिए एक स्लीव मैंने ले लिया है, इसे खोलेंगे और जिधर हमारा बाजू है बॉटम साइड उधर हमें फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो इस तरह से इसे हम डबल फोल्ड करेंगे हल्का सा, फिर सिलाई लगा लेंगे। तो एक पे हमने सिलाई लगा लिया है। अब दूसरा वाला स्लीव भी लेंगे, उसे भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो दोनों स्लीव में हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसे दोनों स्लीव के एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और इसके बाद में मिलाएंगे ये बराबर है कि नहीं। और फ्रंट आर्म का हमने जैसे पहले कट नहीं किया था तो अभी कट कर लेंगे। तो हमारे दोनों स्लीव जो हैं वो बराबर हैं। अभी हमें यहाँ पे कट करना है फ्रंट आर्म का। कट करने के बाद में इन दोनों को फोल्ड करेंगे इस तरह से और सेंटर पे कट लगाएंगे यहाँ पे, ताकि हमें जोड़ने में ज्वाइंट करने में आसानी हो। तो अब इसके बाद में हमें शोल्डर ज्वाइंट करना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट हमने ले लिया है। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे शोल्डर पे। सिलाई लगाने के बाद में आप दूसरे साइड का भी बैक पार्ट लेंगे और दूसरे वाले शोल्डर पे रख के सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे आर्म होल साइड देखेंगे छोटा बड़ा है कि नहीं। तो उससे पहले हम यहाँ पे देखिए जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको फोल्ड करके सेंटर पे निशान लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने सेंटर पे निशान लगा लिया है। अब इसके बाद में बैक पार्ट का जो है यहाँ पे रखते हुए देखेंगे आर्म होल साइड छोटा बड़ा तो नहीं है। दोनों साइड का देखिए हल्का सा यहाँ पे बड़ा है तो इसे कट कर लेंगे और दूसरे साइड का भी देख लेंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बड़ा है तो इसे भी कट कर लेंगे। यहाँ पे बराबर होना चाहिए, नहीं तो स्लीव ज्वाइंट कर देंगे सीधे तो यहाँ पे फिटिंग करते टाइम छोटा बड़ा हो जाएगा बैक और फ्रंट पार्ट। अब इसके बाद में हम स्लीव ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए हमने स्लीव लिया है, ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट, उसी से हिसाब लेना है। और जो हमने कट लगाया है वो जो हमारा शोल्डर का कंधा जो सिलाई है उस पर मिलाते हुए इस तरह से मिला के फिर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से स्लीव को लगा लेंगे। अब हमें दूसरे साइड भी स्लीव को लगाना है। तो ये देखिए ये लंबा वाला स्लीव है इसलिए इतना लंबा दिख रहा है। अब इसके बाद में दूसरे साइड भी सेम उसी तरह से लगाना है हमें। ये देखिए जो हमने कट लगाया है सेंटर में स्लीव में, उसी कट को हमें रखना है यहाँ पे जो हमारा सिलाई है कंधे का उस पर रखते हुए फिर इधर मिला के फिर सिलाई लगाना है स्लीव में। अब इसके बाद में यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह फिर से दूसरे वाले स्लीव को भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा वाला भी स्लीव तैयार हो चुका है। अब हम इसे उल्टा करेंगे, ब्लाउज को उल्टा करने के बाद में हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए सेंटर से हमें यहाँ पे 8 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि 32 साइज हमारा चेस्ट है तो उसका 4th लेना है। तो 8 इंच पर इस तरह से अच्छे से कपड़े को खींच कर फिर लगाना है 8 इंच पर। और दूसरे साइड भी यहाँ से सेंटर से 8 इंच पर लगा लेंगे। नीचे साइड हमें 7 इंच पर लगाना है, दूसरे साइड भी 7 इंच पर लगा लेंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। देखिए अब स्लीव का निशान लगाना है तो इसे इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से बराबर से फिर हमें 4 इंच पर लगाना है,
क्योंकि हमारा राउंड शेप है स्लीव का 8 इंच, उसका आधा लेंगे तो 4 इंच आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने टेप इस तरह से ले लिया है। अब यहाँ पे हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। अब हम जहाँ पे निशान लगाए हैं वहाँ से सिलाई शुरू करना है हमें, और उसके बाद चेस्ट तक पहुँचना है। तो चेस्ट में भी जहाँ हमने निशान लगाया है उस पर लगाना है सिलाई। तो सेम इसी तरह सिलाई लगा लेना है, देखिए जिस तरह हमने निशान लगाया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सिलाई हो चुका है एक साइड का। अब हमें दूसरे साइड भी सिलाई लगाना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे कट कर लेंगे, फालतू में इतना ज़्यादा क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरे साइड भी, यहाँ पे जो हमने फ्रंट के सेंटर पे निशान लगाया था उस पर मिलाते हुए दूसरे साइड भी सिलाई लगा देंगे। जिस पर हमने निशान लगाया है उसी पर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसमें कभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो इस तरह से देखिए सीधा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये फुल स्लीव प्रिंसेस कट ब्लाउज वेलवेट का तैयार हो चुका है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। देखिए एकदम ये इस तरह से बन के आया है, इसका स्लीव लंबा है। अब बैक पार्ट में भी देखिए हमारा नेक जो है बहुत अच्छे से आया है। इसमें हम लटकन भी लगाएंगे, कोई भी लटकन लगा सकते हैं सिंपल या डिजाइनर। तो इसमें मैंने डिजाइनर लटकन लगाया है, वो मैंने अभी बनाया नहीं था इसलिए मैंने लगाया नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।